इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में आने वाली कॉलोनी में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जिन दो पक्षों के बीच मारपीट हुई उसमें से एक कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी हैं, वहीं आप पार्टी के नेता मकसूद खान हैं। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल आयुष्मान कैंप कॉलोनी में लगा था। कैंप का विरोध आप पार्टी के नेता मकसूद ने किया। विरोध की सूचना लगते ही अनवर कादरी भी पहुंच गए और बात बढ़ती चली गई। दोनों नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष को पुलिस थाने लेकर पहुंची। दोनों नेताओं को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। अनवर कादरी पार्षद हैं और आयुष्मान योजना के कार्ड बांटने के लिए उन्होंने कैंप वगैरह लगाया हुआ अपने क्षेत्र में। उसी में मकसूद जो है वो गए थे और वहाँ पर कुछ इनका विवाद हुआ है आपस में। अभी रिपोर्ट आई है, हम दोनों को सुन रहे हैं और सुनने के बाद में जैसा होगा उचित कार्रवाई करेंगे। मकसूद कौन है सर और क्या मकसद था इसका वहाँ पहुँचना? अभी तो बातचीत होगी जब मालूम पड़ेगा। मकसूद उस इलाके का रहने वाला है और कोई उसकी क्या हैसियत है जारी की, ये सब पूछताछ में अभी मालूम पड़ेगा। दोनों पक्षों में मामला दर्ज होगी? मैं अभी कुछ नहीं कह सकते, जब पूछताछ करने के बाद ही करेंगे। आयुष्मान कार्ड बन रहे थे पिछले 5 दिनों से, तो 3 दिन हमारे ऑफिस पर शिविर लगाया, 1 दिन अपन ने जूने पीठे लगाया क्योंकि मैं वार्ड का पार्षद हूँ, दूसरे दिन मेरी वाइफ पार्षद थी। तो अभी आज जो है शिविर बिश्ती मोहल्ले में लगाया था, तो वहाँ आके जनता से विवाद करा। जनता ने जब फ़ोन लगाया मेरे को, आम लोगों ने 100-150 महिलाएँ पुरुष इकट्ठे थे वहाँ पर, तो उनसे विवाद करने लग गया। मैं आया तो मेरे से विवाद करा और झूमा झटकी करके मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, उन्हीं के हाथ से खुद से ही मार ली या जैसे भी उसको लग गई मुझे नहीं मालूम, उस टाइम तक तो नहीं लगी थी। मैं थाने आया तो तब मैं सब बताया कि खून निकल रहा था, मेरे भी हाथ में लगी है कुछ 2-3 जगह ऐसे। तो क्यों लोग ये कौन लोग विरोध कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? विरोध नहीं कर रहे थे, ये आयुष्मान कार्ड बनने का खाली ये कि इनको पार्षद का चुनाव लड़ना है, तो इनको लग रहा था कि ये आयुष्मान कार्ड जब हम बनवाएंगे तो इनको आप पार्टी से चुनाव लड़ना है, तो ये उसको लेके ये कर रहे थे कि ये कैसे भी करके काम रुक जाए। रिपोर्ट।